गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं आई हूँ ग्रेन ट्रेंड सैलून और मुझे ब्लॉग बनाने का कोई आइडिया नहीं था, बट मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ आप लोग से कुछ शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं जो कलर की थी आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आप कलर कहाँ से करवाए और कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस सब कुछ आप पूछ रहे थे, तो बस मैं वो लेके आप लोग के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मन्नत भैया जो मेरे कलर किए हैं, तो ये आप लोगों को कुछ बोलना चाहते हैं। अमी मन्नत, इन्हीं होते हैं हमारे मॉडल। तो ये कलरटा अनेक दिन धरे माने अनेके कमेंट करेछे कलरटार जन्य जे खूब नाकि भालो होयेछे कलरटा। तो जे कारणे जदि एरकम पूजोते आमादेर एरकम जदि कलर किउ करते चाओ ताहले आमार साथे कन्टैक्ट करते पारो। हाँ, आमार कन्टैक्ट नम्बर होच्छे 8621987344। एरकम पूजोर समय अफार थाकबे, एरकम कलर जदि करते चाओ तो आमादेर ग्रीन टेंस ग्रेवर रक्तराते आसते पारो। गाइज एक्चुअली मन्नत भैया हिंदी नहीं बोल सकते, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आप लोग इतना ज्यादा शेयर किए, इतना ज्यादा कमेंट किए, मेरी बहन का कलर देखे आप लोगों को बहुत पसंद आया। ये ब्लॉग इसके लिए ही लेके आई हूँ। आप लोग इतना ज्यादा कमेंट किए थे कि ये कलर कहाँ से करवाए हो, कहाँ है सलोन, एड्रेस दीजिए, तो बस हम लोग इसीलिए ये ब्लॉग लेके आए हैं। ये है ग्रीन ट्रेंड्स बेलघोड़िया 11 नंबर मिडलैंड हॉस्पिटल के ऑपोजिट में। तो प्लीज आप लोग विजिट कीजिए और पूजा में अच्छे अच्छे कलर। ये ब्लॉग में आप लोग से यही शेयर करने वाली थी कि आप लोग बहुत सारे कमेंट करते थे, बस तो इसका रिप्लाई आप लोग को मिल गया। तो प्लीज आप लोग ग्रीन ट्रेंड्स जरूर आइएगा और अच्छे अच्छे कलर करवाइएगा। और कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मेरे हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं, मैं अपने हेयर पे क्या करूं। तो ये भैया मतलब हेयर पे ट्रीटमेंट भी करते हैं। अगर आप लोग आते हो कुछ भी पूछ सकते हो, पूछने का पैसा नहीं देना है आप लोगों को। आप लोग ग्रीन ट्रेंड्स सैलून पे आइए, कुछ भी हेयर के बारे में, स्किन के बारे में पूछिए। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग करवाइए। और ये भैया बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब मेरे हेयर पे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किए, इसके कारण मेरा हेयर फॉल भी बंद हो गया है। अगर आप लोगों को आना है तो प्लीज ग्रीन ट्रेंड्स सैलून जरूर आइएगा। थैंक यू। हम लोग निकल चुके हैं सैलून से और दीदी का भी छुट्टी हो गया, तो हम लोग साथ में ही जा रहे हैं घर। और वहाँ पे हमारी बुआ भी आई है और ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। हम लोग के वहाँ प्रोग्राम भी हो रहा है, बच्चे लोग का डांस हो रहा है, तो वो आप लोग को दिखाएंगे और बहुत सारा मस्ती करेंगे। तो ब्लॉग पे बने रहे। और गाइज यहाँ पे हम लोग म्यूनिसपालिटी के पास से उतर गए ऑटो से, जैसे अभी मैं आप लोग को दिखाई हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ा गणपति बप्पा आए हैं, हर साल ही आते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से पूजा होता है और छोटा मोटा मेला भी यहाँ पे लगता है वहाँ पे, और इसके कारण यहाँ पे रास्ता बंद कर दिए हैं। तो इसीलिए अभी हो सके तो हम लोग फिर से जाएंगे वहाँ पे प्रोग्राम देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा से प्रोग्राम होता है। और अभी घर जा रहे हैं क्योंकि मेरी बुआ आई है, इसलिए बुआ से भी मिलेंगे और हम लोग को यहाँ जो डांस हो रहा है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, फिर मस्ती करेंगे। अगर टाइम मिले तो फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ आकर आप लोग को डांस दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं घर। तो चलिए गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने यहाँ, और देखिए पायल आई है। चलिए घर से आ रहे तो आप लोग को बुआ से भी मिलाते हैं। ये रही मेरी बुआ। हाय, घर आके देख रहे हैं मेरी बुआ आ गई है। चलो फंक्शन देखते हैं, वहाँ पे डांस हो रहा है, चलो देखते हैं। उसी दीदी नाच रही है, बोले हम नाच लेंगे स्त्री टू का गाना में। वो जब बोले वो डांस करेगा तो उसको देते डांस करने के लिए। ठीक बताओ, हम लोग जा रहे हैं तो माई लोग बात तो माई ठीक बता था। तो गाइज हम लोग चलते हैं, वहाँ पे डांस हो रहा है, वही देखेंगे। और बुआ लोग को भी लेके जा रहे हैं साथ में, मस्ती करेंगे। और नेहा को भी फोन किए थे तो नेहा नहीं आ रही है, उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। चलो वहाँ पे मस्ती करते हैं। कितना दिन बाद हम लोग मिले, कितना दिन बाद। तो ब्लॉग पे बने रहे, नाचो बोले मारे जैसे साइबर।
मेरा बल। और एक बात बोलना है आप लोगों को, वहाँ पे बहुत सारा डांस होगा, म्यूजिक बजेगा, तो वहाँ हम ब्लॉग नहीं कर पाएंगे, तो हम नॉर्मल वीडियो करेंगे और वॉइस ऐड करके आप लोग से शेयर करेंगे, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे गाना बजेगा तो कॉपीराइट लग जाएगा, तो ब्लॉग पे बने रहिए। नमस्कार, আমার নাম হলো কৃষ্ণা ম্যাজিশিয়ান। আজকের এই শুভ সুন্দর সন্ধ্যে আপনাদের সকলকে আমি ম্যাজিক দেখাবো এবং আপনারা ম্যাজিক দেখে আনন্দ উপভোগ করুন। और यहाँ पे हम लोग आते ही यहाँ पे जादू देख रहे हैं, और आप लोग भी ज़रूर देखिए, ये छोटा सा बच्चा बहुत सुंदर सा जादू दिखा रहे हैं। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये इतना अच्छा सा जादू दिखाया ना, आप लोग को क्या बताएं, हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो प्लीज़ गाइस पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा इतना सुंदर सा जादू दिखा रहा है ना, क्या बताएं। तो ब्लॉग पूरा देखिए। তিনটে রুমাল আছে, তিনটে দুটো ব্লু কালার।
আর একটা রেড কালার। তাহলে এগুলো জানেন কে? এটা হচ্ছে মা আর এটা হচ্ছে বাবা। মা বাবা একদিন গেল বিদেশ, নিজের তাহলে এটাকে যদি এটা বাবা মা হয় তাহলে এটা কি হবে? ছেলে। ধরে বলো ছেলে। चल गया है मेरे जितने चाची लोग हैं लाडो को लेके आगे चल गया। अभी हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा सा मतलब डांस होता है, बहुत सारे सिंगर आते हैं गाना गाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। तो कल भी हुआ था, लगातार तीन चार दिन से हो रहा है, हम लोग जा नहीं पा रहे थे, तो आज सोचे चलते हैं सब मिल के। तो चलिए आप लोग को भी दिखाएंगे। यहाँ से इतना सुंदर से सजाया है, पूरा रास्ता सजा दिया है। और वो रहा वहाँ पे मूर्ति है, आप लोग देख रहे हो लाइटिंग है वहाँ पे, वहीं पे मूर्ति बैठा है और उसके पास जो स्टेज बना हुआ है वहीं पे शो हो रहा है। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। गाइस आ चुके हैं मूर्ति के पास और आप लोग देखिए कितना प्यारा सा मूर्ति है, वो लोग गणपति बप्पा हो रहा। हम लोग आ चुके हैं वहां से
वहाँ पे बहुत ज्यादा सॉन्ग बज रहा था और इतना ज्यादा क्राउड था ना, तो लाडो सो गई थी, इसीलिए हम लोग आ चुके हैं अपने यहाँ और यहाँ प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो चलते हैं घर। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही अच्छे से ब्लॉग लाएंगे हम आप लोग के लिए।